गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो हमारी कंपनी द्वारा जो न्यूली लॉन्च मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है CP-Z43A। ठीक है, ये हमारा मॉडल्स है, ठीक है ना। और इसका लुक जो आप जो देख रहे हैं वो इस तरह से रहेगा। आप या तो इसको इस तरह से माउंट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से माउंट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर सिनेरियो। अभी जब हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने अभी इसको पावर दे दिया है। ये आपका पावर अडेप्टर कैमरे के साथ आपका आएगा, इस तरह का USB पोर्ट टाइप का आएगा। तो आप या तो इसमें जैक लगा करके SMPS के थ्रू या फिर अडेप्टर के थ्रू दे सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली DVR या फिर आपका CPU का जो आपका USB पोर्ट है उसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। ये जो आपका जो कैमरा है आपका, ये आपका 4 मेगापिक्सल है, ठीक है। उसके बाद आप इसको गूगल या फिर अलेक्सा के साथ इसको आप मर्ज कर सकते हैं, सो डैट कि आपके ये घर जो है सो होम ऑटोमेशन की तरह काम आप करने लगेगा। साथ में इसमें आप 128 GB का आप इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, ठीक है। डिटेल इंक्वायरी के लिए ये हमने साइट पर खोल रखा है, ये ठीक है, इस तरह का आपका है। आप C+ का वेबसाइट पर भी जाइएगा तो आपको ये दिख जाएगा आपको। साथ में इसमें 4mm का लेंसेज दिया हुआ है, इसमें 3 मोड दिया हुआ है आपका कलर का, और कलर इन द सेंस कि आप इसको फुल कलर की तरह भी कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, IR की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक कि अगर जहाँ पे कलर हो ये कलर दे, अगर जहाँ पे रोशनी कम हो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से अपना ये ऑटोमेटिक कैमरा स्विच कर जाए। तो इसका टोटल 3 आपका फॉर्मेट है आपका IR रेंजेस का, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। साथ में आपको ये LAN केबल के थ्रू से भी आपको, क्योंकि ये डिवाइसेस LAN पोर्ट इसमें दिया हुआ है, तो आप इसमें LAN पोर्ट की मदद से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे नॉर्मली बाकी कैमरे आप ऑनलाइन करते हैं। साथ में वाईफाई का फंक्शन इसमें दिया हुआ है, ये बोल भी रहा है, जैसे ही आप देंगे जैसे वाईफाई कनेक्शन वेट करें बोलेगा ये आपका। इसमें 2-way कम्युनिकेशन है, जैसे लास्ट है आपका स्पीकर है आपका। उसके बाद आपका ये आपका एप्लीकेशन का नाम है इसका इजी कैम, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये आपका इजी कैम एप्लीकेशन है। ये देखिए इजी कैम लिखा हुआ है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्लस के सिंबल पे जाएंगे, यहाँ पर अब हम अपना मॉडल चेंज चेक करेंगे कौन सा मॉडल है। ये हमारा Z43 है, ठीक है। तो Z43 पे हम क्लिक करेंगे, Z43 पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो QR कोड देख रहे हैं यहाँ सब सिलेक्शन करेंगे कि किस तरह का मोड में, QR कोड यानी कि स्कैन करने का ऑप्शन देगा, केबल मोड अगर आप लैन केबल लगा रखा है, या EZ मोड, आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट अटैच हो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको EZ मोड पर सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका वाईफाई आपका जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जिस वाईफाई से जिसको देना है उसी वाईफाई से आपको जो है कि आपको ये अटैच होना चाहिए। अभी हमने जिया के नाम से हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा एक चीज़, और यहाँ से हमसे लोकेशन भी मांगता है कि किस लोकेशन पे इसको एक्सेस करना है। हमने लोकेशन का एक्सेस दे दिया, ये हमने था SSID और पासवर्ड, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये वाईफाई कनेक्टिंग ये बोलेगा अभी आपका, ठीक है। ये देखिए जैसे ये कनेक्शन हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेते हैं कभी 10, ठीक है। ये जो स्कैन डिवाइसेस है ये आपको खिसक करके इनिशियलाइजेशन तक आ जाएगा, और फिर जैसे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है इसको। इसमें साथ साथ आपका जो है सो कि थोड़ा सा और बता दो, इसमें तो आपका नोटिफिकेशन आपका है, WDR फीचर्स वाले कैमरे हैं ये आपके, और इसका जो रेंजेस है आपके वाईफाई रेंजेस का इसमें लिखा हुआ है कि 30 से 40 मीटर विदाउट ऑब्स्टिकल। तो आप इस हिसाब से भी अपने भी घर में भी जो भी है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग टेम्परेचर बहुत है, 50 डिग्री तक आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कैमरा हमारा ऐड हो गया है, ये हमारा कैमरा हमारा ऐड हो गया, इसको हमने डन कर दिया है। ये हमारा कैमरा चलने लगा, ठीक है। अब हम इसको करना है हमें इस तरह से, इसको आप अपने हिसाब से अप्स एंड डाउन्स, ये देखिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो लेना है, लाइव वीडियो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा आपका। ये देखिए रिकॉर्ड होना शुरू हो गया आपका। इसको बंद करना है, आपके फ़ोन में ही आ जाएगा लाइव। ये देखिए अब इसको व्यू एल्बम में जाएंगे तो हमें दिख जाएगा। ये देखिए ठीक है, व्यू एल्बम में जाना है आपको तो आपको यहाँ से दिख जाएगा व्यू एल्बम में। अभी ये HD है और SD, यहाँ से क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको पिक्चर जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा सा मतलब HD क्वालिटी का चला जाता है। और ये HD क्वालिटी का, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये होल्ड टू टॉप बोलेंगे, हेलो हेलो हेलो, तो ये देखिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी ये पास में है इसलिए हमिंग का आवाज़ है, जब दूर रहेगा तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ देता है। ठीक है, नाइट मोड में आप चाहते हैं नाइट मोड में आप कर लीजिए। ठीक है, मोशन ट्रैकिंग की, जब इंसान के कैमरे के सामने हो तो मोशन ट्रैकिंग करेगा ये, और ये मोशन डिटेक्शन, जब इसके सामने मोशन होगा तो ही रिकॉर्ड करे, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखिए मोशन ट्रैकिंग मैंने कर दिया, अब इसको मैंने ऐसे करूँगा, ये देखिए तो इस तरह से कैमरा आपका ये घूमता है। ठीक है, अब आपने ये आप स्नैपशॉट लेना है आपको, यहाँ से क्लिक कीजिए, ये स्नैपशॉट चला गया। व्यू एल्बम में जाकर देखिएगा तो आपको ये वीडियो हमने लिया था अभी, ये भी दिखेगा और ये आपको स्नैपशॉट दिखा। ये देखिए स्नैपशॉट हमने लिया था अभी और ये आपका वीडियो, यहाँ क्लिक करेंगे ये चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको डिवाइसेस किसी को शेयर करना है ये, ठीक है, तो शेयर करने का क्या तरीका है कि उसके मोबाइल पर भी इस तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा इस तरह का इंटरफेस, वो मी का ऑप्शन दिखेगा आपको, मी पे जाएंगे तो यहाँ पे उनका अकाउंट डिटेल दिखेगा। अभी मैंने नंबर से लॉगिन किया है तो नंबर से वहाँ पे मेल आईडी मांगेगा तो मेल आईडी से आप कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी डालने के बाद वहाँ इसको वापस खोलेंगे और उसके बाद ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शेयर डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ पर जब करेंगे तो ऐड शेयरिंग का ऑप्शन होगा। तो जो भी आपको यहाँ पर डालना है अकाउंट, जो उनके अकाउंट होगा, यहाँ डाल करके ये डन का जो सिंबल है ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको आराम से उसके उन मोबाइल पे चलने लगेगा। एक ये तरीका है, बस यही वन एंड ओनली। दूसरी चीज़, अगर आपके फ़ोन पे चलाना है और किसी दूसरे के फ़ोन में, तो ये तरीका है। अगर आपने जाने अनजाने में इसको आपने अपने मोबाइल में ऐड कर लिया और किसी को बेच दिया या फिर किसी को आपने दे दिया कि आप भी चलाओ, तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप अनबाइंड नहीं करेंगे या फिर अपने मोबाइल से हटाएंगे नहीं। इवन कि आपने एप्लीकेशन को भी आपने अनइंस्टॉल कर दिया है तब भी आपको जो है सो कि ये नहीं होगा आपका, आपको अनबाइंड करना ही पड़ेगा। तो अनबाइंड का क्या प्रोसेस है वो मैंने दूसरा वीडियो में डाल रखा है। सेम प्रोसेस सभी मॉडल का एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है, तो आप उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और इसमें आपने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्राइवेट मोड को, आपने प्राइवेट मोड पे ये आप इनेबल कर रखा है, आपने इसको जैसे ही करेंगे तो ये कैमरा आपका बंद हो जाएगा। ये देखिए डिवाइसेज इन स्लिप मोड, तो कुछ भी आप कुछ सेंसिटिव करना है या कुछ भी, तो आप कैमरे को बंद कर सकते हैं इंस्टेंट के लिए, फिर दोबारा इस पर ओपन करेंगे तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप इसमें प्रीसेट भी बना सकते हैं, साइट का ऑप्शन है, बार लीजिए कि बार बार कभी एक पर्टिकुलर कैमरे पर वो फिक्स करना है तो बार बार कैमरा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्लिक किया, हमने कुछ भी नाम रख दिया एक नाम से, तो ये साइट हमारा, ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको कैमरे को इधर घुमा दिया, ये कैमरा घूम गया, या किसी भी कारण से आपका पावर चला गया तो कैमरा किधर और किधर घूम गया, तो आपको करना क्या है, उसी लोकेशन पे जाना है तो फिर आपको घुमाना पड़ेगा, अब मिलाना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि यहाँ क्लिक कीजिए और साइट पर आप चले जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, ये कैमरा वापस घूम करके आपको इस पर कॉल करेंगे प्रीसेट को, ये कैमरा वापस वहीं पे घूम के पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये कर सकते हैं मैसेजेस, ये आपके जब भी आप ये देखिए मोशन पे है, मोशन डिटेक्शन मैंने किया, मोशन डिटेक्शन, तो जब भी आप मोशन करेंगे साथ में तो ये मोशन आएगा और यहां पर आपका जो है सो कि मैसेजेस आपके जो है सो कि फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। ये कंप्लीट एक तरीका ये है मोशंस का। दूसरी चीज़ कि आपका ये रिकॉर्ड मैंने बता दिया, इससे आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है यहाँ से प्राइवेट मोड मैंने बता दिया। बेसिक फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, फ्लिप स्क्रीन, मान लीजिए आपने ऐसा लगाया कैमरे को, ठीक है, पिक्चर उल्टा आ रहा है, देखिए मोशन डिटेक्शन हो गया, तो आपका ये आ गया आपका यहाँ पर आपको दिख जाएगा मोशन डिटेक्शन। ये देखिए मोशन डिटेक्शन, अब मैंने ये पिक्चर भी ले लिया कि कौन सा पिक्चर बंदा था कैमरे सामने, तो आपका मोशन ये ले लिया।
अब आपका ये मैं बता रहा था आपको यहाँ पे बेसिक्स फंक्शन फ्लिप करना है आपको, पिक्चर को उल्टा करना है, वन वे कम्युनिकेशन है, इसको टू वे कम्युनिकेशन कर दीजिएगा तो टू वे कम्युनिकेशन जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप आइकन देख रहे थे वो आइकन भी बदल जाता है आपका, ये देखिए अभी कोई और आइकन था बिल्कुल ऐसा यू टाइप का, अभी ये दूसरा, जैसे फ़ोन में बात करते हैं वैसे दोनों तरह से बात जाएगा आपका। ये मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। हेलो 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 हेलो, तो दोनों तरफ से आपका आवाज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये डिटेक्शन अलार्म सेटिंग्स, आपका सेंसिटिविटी बढ़ाना है, ह्यूमन बॉडी फिल्टरिंग करना है, मोशन डिटेक्शन शेड्यूल, तो अपने हिसाब से आप सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें। साथ में ऑफलाइन नोटिफिकेशन कि जब भी ऑफलाइन हो तब मेरे पास नोटिफिकेशन आए, ये देखिए मोशन डिटेक्शन की हमने किया, इनेबल कर रखा है तो आ रहा है बार बार। इसी तरीका से शेयरिंग डिवाइसेस में मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो था जो मैंने नया मॉडल आया था, तो मैं सोचूं कि एक बार इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है वगैरह वगैरह, वो मैं आपको बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।